नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जसोदा की रसोई ब्लॉग में। तो बने रहे वीडियो में, आज फिर आई नई रेसिपी के साथ। चलो बनाते हैं। तो मैंने 2-3 आलू ले लिए थे, तो इनको उबाल लिए, उबाल के अच्छे से छील लिए, छिलका उतार लिए। तो मैं अब इनको एक साइड करूँगी। तो इससे कद्दूकस मोटी वाली है, तो मैं इससे ऐसे कद्दूकस कर लेती हूँ अच्छे से। बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो गुठली नहीं रहेगी जी, देखिए इस तरीके से। तो मैं ऐसे मिला लेती हूँ, कर लेती हूँ सारे आलू को बहुत अच्छे से। ये देखिए, तो बहुत अच्छे से मिक्स हो रहे हैं सारे आलू एक गुठली। ये देखिए, तो सारे मैंने कद्दूकस कर लिए। तो जो ले लिया मैंने सिंगाड़े का आटा, तो ये सिंगाड़े का आटा है, तो जो पाउच है 100 ग्राम का, तो ये पाउच लिया सिंगाड़े का आटे से। तो मैंने ये छान के ले लिया सारा। अब जो आलू किसे थे मैंने, ये इसी में मिलाऊंगी। नमक डालूंगी फरारी वाला, हरी मिर्ची डालूंगी 4-5 कटी हुई, थोड़ा सा जीरा डालूंगी। तो इसको फिर अब अच्छे से आटा मिक्स कर लेते हैं, पूरा अच्छे से डो लगा के तैयार करेंगे इसका। लगा के रख लिया, अब गैस को कभी भी चालू। तो मैंने तड़का पैन में तेल डाल दिया था थोड़ा ज़्यादा, तो अब इसको गर्म होने देती हूँ मैं। तो तेल गर्म हो रहा है, जब तक जो आटा लगाया है, तो इसकी मैं लोई बना के रख लेती हूँ अच्छे से इस तरीके से। तो सारी लोई बना लूंगी अच्छे से, ऐसे बना बना के रख लूंगी। अब मैं डालूंगी जो पूड़ी बनाई मैंने जो, तो इसी तरीके से ऐसी अभी दूसरी डालती हूँ, बना लेती हूँ जब तक ऐसे हाथ से। अब देखिए कितनी अच्छी गोल्डन, बिल्कुल बहुत अच्छी फूली फूली पूड़ी सिक गई। सारी सेकूंगी अब मैं इसी तरीके से। ये देखिए इस तरीके से ऐसे ये भी सिक रही है, तो मैं ऐसे सब सेक लूंगी। तो मैंने बना ली पूड़ी, तो एक सिक रही है अब लास्ट घान एक, तो बाकी की मैंने जो बना ली सिंगाड़े के आटे की पूड़ी, एक और सिक रही है अभी। तो बना ली है मैंने खाना, बिल्कुल व्रत वाला खाना, सिंगाड़े के आटे की और आलू मिक्स दोनों चीज की मिक्स की पूड़ी बना ली, और दही के साथ आप खा सकते हो। दोस्तों हमने बना लिया फरारी नाश्ता और दही चटनी के साथ में, और फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।